तो आज से हम आ रही तो ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप ट्रिक्स। हमने भुवन जी के साथ अभी तक 3 क्लासेज में वी लुकअप के बारे में सीखा कि वी लुकअप, मैच इंडेक्स, एच लुकअप, इन सबों के बारे में सीखा है। हम बात कर रहे हैं कि कुछ ट्रिक्स या कह लीजिए कुछ प्रॉब्लम जो कि हमें ऑफिस में काम करते समय होती है, उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे हमारे इस क्लास में है। और आज की क्लास यूट्यूब पे जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं वी लुकअप लिस्टिंग पे, तो हमें एक डेटा चाहिए होगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे डेटा है, लेकिन क्या है कि मैं बड़ा डेटा यूज करूंगा तो आपको इफेक्ट समझ में नहीं आया कि आखिर इफेक्ट हुआ क्या। इसलिए शुरुआत में हम छोटे डेटा पे यूज करते हैं। छोटे डेटा पे क्या होगा, आपको जल्दी फर्क समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। सर तो आप हाँ बोलिए। जैसे मतलब कुछ कनेक्ट होने के लिए मतलब कुछ अगर एग्जांपल हम दें तो क्या आप उसको सॉल्व करा सकते हैं, या फिर आप मतलब अपने हाँ हम आपसे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्लास से शुरू में या लास्ट में बताना होगा, क्योंकि मुझे भी तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता है कि मुझे ना आए। नहीं नहीं सर, सिंपल रिसर्च करनी जरूरी है ना, तो पहले बता देंगे तो मैं इसके लिए एग्जांपल शुरू कर लूंगा। पहले मेरा एग्जांपल देखिए, फिर मैं क्लास के बाद आपके बारे में भी ज्यादा पूछता हूँ। आपकी स्क्रीन लेता हूँ मैं, फाइल रेडी रखिएगा जो प्रॉब्लम आपके पास होते हैं। पहले मेरी एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम आप पे भी आते हैं। और अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मुझे ना आता हो, लेकिन फिर भी सर डर बना रहता है ना कि शायद किसी ने कुछ क्या कुछ पूछ दिया, समझ रहे हैं ना सर। क्योंकि मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और उनके प्रॉब्लम उनकी ऑफिस की प्रॉब्लम होती है। बस सर सेम हमारे साथ भी है सर, सेम इश्यूज विथ अस। ओके, तो हमारे पास एक डेटा है। जैसे कि हमने बताया कि मुझे अगर पूजा का पता करना है कि अमाउंट कितना है, तो हम पता कर सकते हैं इजिली वी लुकअप। हमने इसको लगाया और डेटा को सिलेक्ट किया और 3.0 आ गया। क्या सर? सर 3, मतलब क्या हुआ, 3 क्यों लिखा आपने? तीसरा नंबर कॉलम 1, 2, 3, क्योंकि वी लुकअप अगर लुकअप करेगा पूजा को तो पूरा रो लुकअप हो गया ना, तो इसको 3 कॉलम मिल गए। स्पेशल रूल कहता है कि किसी सेल में किसी एक ही सेल का लिंक होगा तो मुझे बताना पड़ता है कौन सा सेल, तो तीसरा सेल, तो ये काउंट कर लेता है 1, 2, 3। 0 मतलब एग्जैक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ मल्टीपल कंडीशन। हम डालना चाहते हैं पूजा और पुणे में नहीं, हम चाहते हैं पूजा नोएडा ने कितना सेल किया है, समझ गए? अब देखिए, हालांकि इसके लिए एक्स लुकअप का फॉर्मूला है, लेकिन एक्स लुकअप के लिए आपके पास होना चाहिए ऑफिस 365। ओके सर, समझ गए? यस। तो इसको हम छोड़ते हैं। अगर मान लीजिए ऑफिस 365 नहीं है, क्योंकि 90% लोगों के पास ऑफिस 365 नहीं होता है, तो क्या करेंगे? तो अगर मुझे बात करें, जो मैं ऑफिस में मुझे पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो हमने क्या किया था कि एक नया कॉलम इंसर्ट किया था और इसमें हमने सिटी और नेम को एक कॉमा सेपरेटेड लगा के, मतलब कि एक सेपरेटेड डैश लगा दिया। हालांकि सेपरेट लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी लगा देता कि आइडेंटिफाई अच्छे तरीके से हो जाए। हमने उसको आपस में कंबाइन कर लिया। हमने एन परसेंट लगाया है, आप यहाँ कॉन्कैटेनेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है? ओके सर। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर दिए, तो हमारे पास ये दोनों का मिक्सअप बन गया। अब यहां जहां हम लगाएंगे वी लुकअप, यहां भी हम नेम और सिटी को डैश के साथ कंबाइन कर देंगे और लुकअप वैल्यू हम यहां से स्टार्ट करेंगे। और इस बार 3 नहीं होगा, क्या होगा? 4, यस सर, बिल्कुल आ गया। वो जो वैल्यू पिक करनी है उसको अपन को रेफरेंस डालना ना। जी हाँ, लेकिन एक्स लुकअप होता तो क्या होता? नो आइडिया। एक्स लुकअप होता तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी कंफ्यूज नहीं रहिएगा।
तो मल्टीपल कंडीशंस में आपको पता चल गया। हाँ जी भुवन जी, समझ में आया आपको? अगर तीन कंडीशन है तो ऐसे तीन कॉलम मर्ज कर लीजिए, चार कंडीशन है तो चार कॉलम मर्ज कर लीजिए। भुवन जी? यस सर समझ गया। यस सर। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है तब क्या करेंगे। अब इसी कॉपी पेस्ट में यहां करता हूं। मल्टीपल वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए हमने पूजा को ही किया, लुकअप लगाया, इसको लुकअप कर लिया, बट पूजा यहां पे कई बार रिपीटेड है तो ये हमेशा 70 ही देगा। यस सर, हमेशा 70 देगा। मैं चाहता हूं कि सबसे लास्ट वाली पूजा आनी चाहिए, सबसे लास्ट वाली पूजा आनी चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें काउंट इफ की मदद लेनी पड़ेगी। तो एक कॉलम हम इंसर्ट करेंगे और यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ, और हमने इसको सिलेक्ट किया बी कॉलम को और हमने बोला कि इसमें पूजा कितना बार रिपीट है। ध्यान से देखिए, काउंट इज बी बाई बी कॉमा बी टू, इसने बताया कि पूजा 39 टाइम्स रिपीटेड। अगर मैं नीचे नीचे डायरेक्ट कर दूं तो जितना भी पूजा होगा सब में वो 39 ही दिखाएगा, लेकिन मुझे कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पे 1 दिखा दे और जहां दूसरा आया पूजा वहां पे 2 दिखा दे, फिर तीसरा आया तो वहां पे 3 दिखा दे, समझे? तो ऐसा हो सकता है, बस थोड़ा सा ट्रिक यूज करना होगा काउंट इफ में। काउंट इफ इसको सिलेक्ट किया हमने B2 से B2 और कॉमा B2। ध्यान से देखिए सर, हमने एक ही रेंज को लिया है B2 से B2, B2 से B2 में B2 को काउंट करेगा तो यहां पे 1 आएगा। अब मैं इसको नीचे ड्रैग डायरेक्ट नहीं करूंगा, हम इसको पहले वाले को फ्रीज कर दूंगा। तो सुबह हम भी फ्रीज क्यों करते हैं? हम वो फिर सेल लॉक करने के एब्सोल्यूट रेफरेंस लेने के लिए, इनके लॉक करने के एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए। तो जब नीचे हम ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, B2 से B3, मतलब अगर हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया, यहाँ 2 आया, 2 क्यों आया, क्योंकि A हमेशा अपने से ऊपर वाले में काउंट कर रहा है, नीचे वाले में काउंट नहीं कर रहा है, इसे जैसे से नीचे वैल्यू आएगी उस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे इसमें इसका n परसेंट करना है, नहीं डैश लगाते हैं, ओके। तो मुझे कौन सा चाहिए, पूजा चाहिए 39 टाइम। तो यहां आप ये कर सकते हैं, यहां भी काउंट इफ लगा लीजिए, काउंट इफ यहां भी लुकअप में काउंट इफ लगाया, डायरेक्ट लगाना चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। वी लुकअप में हमने लगाया फॉर्मूला काउंट इफ का, ताकि 39 जो है दिख जाए ना हाईएस्ट, इसमें इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ हमने कॉनकटा नेट लगा के डैश के साथ पूजा को ऐड कर दिया और फिर इसमें लुकअप कर देता हूं मैं, चौथा नंबर रो कॉमा 0 आ गया 14 नंबर। सबसे लास्ट में आके देखते हैं, सबसे लास्ट में पूजा है 14 है, अगर मैं 65 करता हूं एंटर मार के, यहां देखिए 65 हो गया। अब यहां पे छोटी सी कंफ्यूजन है कि फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है। चलो मैंने तो जल्दी जल्दी किया और लगा दिया क्या। हाँ जी सर। अब आपको समझ में कैसे आएगा, तो यहां फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला ऑडिटिंग यहां पे दिखेगा, एवरेज फॉर्मूला, ये बताएगा कैसे कर रहा है। सबसे पहले काउंट इफ ने काउंट इफ निकाला और बताया कि पूजा की काउंटिंग इस पूरे कॉलम में कितना है। जो सबसे पहले मैंने यहां लगाया था ना 95, तो 39 जाया था, जो 39 आ गया। अब 39 के साथ एंड जुड़ा और फिर जुड़ा पूजा, तो हो गया 39 डैश पूजा। अब 39 डैश पूजा को एक कॉलम में ढूंढेगा और मिल जाने पे चौथा नंबर कॉलम की वैल्यू बी लुकअप यहां लुकअप कर देगा। आया समझ में?
यस सर। भुवन जी आपको? यस सर, यस सर, यस सर। एक बार सर रिपीट करेंगे इस चीज को, आपने लास्ट में इवैल्यूएशन बताया ना, वो हमने किया था यहाँ एवलेट फॉर्मूला, फॉर्मूला मेनू बार के अंदर में एवलेट फॉर्मूला होता है, ये बताइए यहाँ से एवलेट करते चले जाइए, बताते जाएगा कैसे कैसे वर्क हो रहा है फॉर्मूला। ओके ठीक है सर। शुभम जी समझ में आया? सर एक बार आप इसको वो रीस्टार्ट करके, वो जिसमें पूजा लिखा हुआ आता है ना उसमें इवैल्यूएट में जाते हैं पूजा, एवलेट में गए और यहाँ देखिए यहाँ से बता रहा है, यहाँ बता रहा है। एक बार सर ये एक सेकंड नहीं कह रहा हूँ मैं, काउंट इफ इसने कहा कि बी, सबसे पहले इसने बी कॉलन में पूजा को काउंट किया, पूजा कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। ठीक है ठीक है, पूजा की काउंट इसने निकाल दिया 39। अब पूजा के साथ इसने डैश को मर्ज किया, ज्वाइन किया, फिर वापस एस टू से पूजा को लिया और फिर इसने ज्वाइन किया, 39 हो गया, 39 पूजा। अच्छा, अब 39 पूजा को ए कॉलन में लुकअप किया, सिंपल। ओके 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 ठीक ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ये फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब इससे एक बेनिफिट और हो जाएगा आपको कि आप पूरे निकाल सकते हैं कि पहला पूजा, दूसरा पूजा, तीसरा पूजा, चौथा पूजा, पांचवा पूजा, इस तरह से, समझ गए? वी लुकअप इसके साथ कॉन्कैटेनेट किया, किसका हमने, पूजा का, और हमने कॉन्कैटेनेट डैश के साथ करना होगा ना सर, डैश में लगा दिया है, ऐसा लगाना जरूरी नहीं है, और फिर हमने लुकअप किया यहाँ पे कॉमा 4, 0 आ गया सिमेंटी। अब मैं इसको एस टू को फ्रीज कर देता हूँ एस फोर से, शॉर्टकट एस फोर होता है, और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग हो गया। ओके सर, ये पहला में 70, दूसरा में 81, तीसरे में 82, 88, 79 दिख गया आपको? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है सर? नो सर। शुभम जी? हाँ सर, नहीं नो डाउट सर, नो डाउट। चलिए अब इसी में हम अगला एग्जांपल बताते हैं आपको। अब अगला एग्जांपल इसमें है कि मुझे पूजा की पूरी वैल्यू कॉमा करके यहाँ चाहिए, इस तरह से कि पूजा 70 हो गया, फिर नीचे आ गया 81 कॉमा, इस तरह से, मतलब कि यहां जो मुझे अलग अलग रो में दिख रहा है मुझे एक साथ यहां में ज्वाइन चाहिए। अब इस चीज के लिए आपके पास एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है टिल 2016, समझ गए? हाँ, इसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग करके हम इसके लिए अपने लिए नया फॉर्मूला बना देते हैं, बट 2016-19 या ऑफिस 365 में फॉर्मूला आया है टेक्स्ट ज्वाइन का। प्रॉब्लम क्या है कि 2016 तक एक रेंज को ज्वाइन करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बट 2016 में हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला है जिसमें हम कर सकते हैं भाई कॉमा के साथ ब्लैंक को छोड़ के एक एरिया को कॉन्केट कर दो, कर दिया कॉन्केट, समझ गए? जो यहाँ पे हमने जो रेंज दिया है इसके जगह पे हम वी लुकअप दे सकते हैं, कैसे? देखिए हमने यहाँ पे दिया पूजा, और यहाँ पे हमने दिया टेक्स्ट ज्वाइन कॉमा, हमने बोला कि भाई ब्लैंक को इग्नोर करना है, और फिर यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ, अगर ए, यहाँ वी लुकअप नहीं लगेगा सर, ए एरर लगेगा सर, इफ इक्वल टू पूजा है तो 70 वाले को लुकअप कर दे। अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करते हैं, अब इसमें फॉल्स 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 आ गया, इसका मतलब है कि हमें यहाँ ब्लैंक देना पड़ेगा, आ गया सर। आप बोलोगे सर एक कैसे हुआ सर, ये तो ऐसे मतलब जैसे आपने एक सिंबल एक्स्ट्रा लगाया और ये आ गया, मतलब ये कोई थ्योरी है कुछ इसके पीछे लॉजिकल या फिर प्रैक्टिस है? मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हुई है,
देखिए सबसे पहले जानिए कि टेक्स्ट व्हेन फॉर्मूला हमने लगाया तो यहाँ पे ट्रू क्यों दिया, ट्रू दिया इग्नोर इंबेटी दिख रहा है। अच्छा अच्छा उसके बाद जब हमने यहाँ इस कंडीशन लगाया तो इस कंडीशन में मैंने फॉल्स पार्ट नहीं दिया था, हमने दिया कि भाई अगर ए से लेके ए 49 तक अगर पूजा जहां जहां मैच कर रहा है वहां वहां पे उसकी वैल्यू दे रही है और जहां मैच नहीं कर रहा है वहां पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स आ जाएगा ना। हाँ, और फॉल्स ब्लाइंड तो नहीं है ना। नहीं है सर। तो टेक्स्ट लाइन से इग्नोर कैसे करेगा, समझ गया ना मैंने कैसे ढूंढ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है चलिए एवरेज फॉर्मूला में देखते हैं। ट्यूट कर लीजिए पीछे से बैक आ रहा है सर। हाँ सर सर देखिए टेक ज्वाइन क्या कर रहा है, सबसे पहले देखने E3 से इसने पूजा ले लिया, फिर इस पूजा को पूरे रेंज में मैच कराया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैच कराने के बाद जहां जहां मैच हुआ वहां वहां ट्रू हो गया और जहां मैच नहीं हुआ वहां वहां फॉल्ट आ गया। अब इसने क्या किया कि जहां पे ट्रू था वहां पे उसकी वैल्यू और जहां पे फॉल्ट था वहां पे ब्लैंक, क्योंकि हमने यहां पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज किया हुआ है, हो गया। अब टेक्स्ट ज्वाइन को क्या मिला, टेक्स्ट ज्वाइन को इतने सारे वैल्यू मिले विथ ब्लैंक, विथ ब्लैंक, और टेक्स्ट ज्वाइन को मैंने यहां पे दिया हुआ है ट्रू, मतलब कि इग्नोर ब्लैंक। तो ये जितने ब्लैंक है सबको इग्नोर कर देगा, जो नंबर्स है उसी नंबर को ज्वाइन करेगा और आपके सामने आपका जो वैल्यू है जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट यहां पे दे देगा। आया समझ में सर? यस सर। यस वन। अब देखिए हमने आपको कितने एग्जाम्पल बता दे, ऐसा ना हो कि सर के ऊपर से निकल जाए। पहला हमने बताया आपको मल्टीपल कंडीशन, दूसरा हमने बताया आपको कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू को कैसे लुकअप करोगे या फिर सिक्वेंसली कैसे लुकअप करोगे, राइट। तीसरा एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि मल्टीपल, अगर मान लीजिए मल्टीपल टाइम आ रहा है उसको ज्वाइन करके कैसे रखोगे, अगर आपकी डेटा मल्टीपल सीट में आई तो क्या करेंगे। जैसे कि हमारा एक डेटा दिल्ली से आया हुआ है और एक डेटा मुंबई से आया हुआ है, ओके यस। और मैं इस यहां इस डेटा को इसी को कॉपी कर लेता हूं, दिल्ली वाले पे हमने यहां पे पेस्ट कर दिया और हमने एक यूनिक आईडी डाल देते हैं यहां पे 1 2 सीरियल नंबर से ही डाल देते। अब मान लीजिए कि यहां पे 270 तक का जो डेटा है वो दिल्ली ने भेजा है और 271 से ऊपर का डेटा उसने भेजा है। अब मान लीजिए मुझे कॉल आएगा और बोलेगा कि मेरा नंबर है 275, मुझे मेरा अमाउंट बताइए। तो आपको पहले सर्च करना होगा डीएल में, फिर सर्च करना होगा से। सबसे पहले अगर आपको पता है कि हाँ उसने दिल्ली से उससे पूछे गए कि हाँ दिल्ली के लिए भरा है मुंबई के लिए भरा है, अगर उसने बोला है कि मैं दिल्ली या मुंबई के लिए भरा हूं तो ठीक है आप दिल्ली में सर्च करेंगे, मुंबई है तो मुंबई में सर्च कर लेंगे। लेकिन अगर उसको खुद नहीं पता, ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि उसका डेटा कहाँ हो सकता है, तब क्या होगा, तब आपको दोनों में खोजने पड़ेंगे ना सर। तो यहां पे मान लीजिए नंबर कुछ भी है, आपके पास कुछ मल्टीपल टाइम्स के नंबर नंबर आया है, वो आपके दिए इसमें सीट वन में भी हो सकते हैं सीट टू में भी हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस पे आपको होमवर्क देने वाला हूं मैं। तो कैसे करें, अगर मैंने वी लुकअप लगाया पहले सीट में लुकअप किया, मतलब कि हमने दिल्ली में लुकअप किया, तो यहां पर हमें कॉमा हमने बोला फोन नंबर कॉमा जीरो आ गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो देखिए यहां नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये डेटा दिल्ली में नहीं मैच किया, या फिर इसी पे कल के डेट में अगर मान लीजिए 280 हो गया तो यहां अन्य आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डेटा दिल्ली में नहीं, डेटा दिल्ली में नहीं है। और इसके लिए हमें दूसरा हमारा वी लुकअप लगाना पड़ेगा
एमएस के लिए मतलब कि मुंबई के लिए कॉमा टू कॉमा जीरो, मतलब कि मेरे पास दो वीलुकअप है, एक वीलुकअप है दिल्ली से, दूसरा वीलुकअप है मुंबई से। देखिए मुझे इन दोनों को लगाना है एक सेल के अंदर, अगर पहला एरर दे तो दूसरा चले, अगर पहला चल गया तो दूसरे पे इग्नोर कर दे, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम मुंबई का फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और इसी में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस एरर का। इस एरर जो है दो फॉर्मूले एक्सेप्ट करता है, कोई भी दो फॉर्मूला, जैसे आप यहां देख रहे हैं ना सर, किसने एक फॉर्मूला एक्सेप्ट किया डीएल से कॉमा लगा के, उसने दूसरा फॉर्मूला एक्सेप्ट किया एमएस से। तो इस एरर से क्या करेगा कि अगर पहले वीलुकअप ने एरर दिया तो फिर वो दूसरे को चलेगा, अगर पहले ने एरर नहीं दिया, पहले ने अगर रिजल्ट दे दिया तो दूसरे को इग्नोर कर देगा। फंडा समझ आया आपको? अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आ गया सर। अब डेटा चाहे सी डीएल में हो या डेटा आपका, अच्छी से मैंने दो कर दिया मान लीजिए फोर करेक्ट, हाँ डेटा अगर डीएल में हो या डेटा आपका एमएच में हो। सर इसमें एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए सर। जैसे आप शीट नंबर थ्री में चलेंगे एक बार सर, अगर इसमें जैसे ये जो आपने लिख रखा है पुणे, इससे पहले किसी का नाम लिखा हुआ है फिर सिटी अमाउंट लिखा हुआ है ना, तो ए कॉलम में भी। अभी सर अगर मैं डी में पेड लिखूं कि डी में मैंने पेड लिख दिया डी कॉलम के अंदर, तो सर कोई एक शीट हो जिसके अंदर पेड के सारे ये पूजा पुणे और सत्तर लिखा हुआ आ जाए, और अगर मैं उसमें अनपेड लिख दूं तो एक दूसरी शीट में पूजा पुणे और सत्तर रुपए लिखा आ जाए। मतलब जैसे मैं आपसे पूछे जा रहा हूँ कि सर ये पेड हो गया नहीं हुआ, तो मैंने इसके आगे पेड लिख दिया, तो फिर वो इस मेथड अपनाना पड़ेगा। ये मेथड बताया ना आपको मैंने, आप नेम और पेड को मर्ज कर दोगे। देखिए चलिए बताता हूँ आपको, चलिए अगला एग्जांपल, एक एग्जांपल समझ में आ गया ना आपको? पहले बताइए। हाँ सर, यस यस यस। भुवन जी आपको आ गया? भुवन जी क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी? अब जैसे कि आप ये चाहते हैं कि आप लिस्ट चाहते हैं, लिस्ट चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ स्टेटस, जैसे सर यहाँ पे स्टेटस मान लीजिए ना, हाँ स्टेटस। अब इसमें आता है पेज और आता है आपका डी, ठीक है। आप बताइए आपके पास ऑफिस कौन सा है? ऑफिस में ऑफिस कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो सर देखना पड़ेगा, देखना कौन सा है? 2019 है आपके लिए, तो अच्छा बात है। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपके सामने है फिल्टर का, ठीक है, फिल्टर फॉर्मूला है आप इसको, सर 2007 है, I'm sorry. 2007 है तो ये काम नहीं करेगा। एक फिल्टर फॉर्मूला होता है, फिल्टर फॉर्मूला में आप यहाँ पे लगाइए कि इंक्लूड किसको करना है, तो हमने बोला यहाँ इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा, दो कंडीशन है ना यहाँ, यहाँ दैट इज इक्वल टू पूजा और यहाँ हम लगाते हैं इसको एंड में रखना पड़ेगा कॉमा, और फिर वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला दैट इज इक्वल टू पैड, ब्राइकेट क्लोज और इसको हमें देना होगा एंड में एंड दी एंड, और फिर इसको क्लोज करके एंटर मारे। इसमें एरर आया, एरर आने के नीचे आया कि हमने यहाँ पे टू से सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ भी टू से करना होगा। क्या ऐसा क्या हो गया? A2 से 59, S2 पूजा होना चाहिए,
और यहाँ J2 सही होना चाहिए। अच्छा हम कुछ पूजा कर लेते हैं, एन हटाते हैं, तो पूजा से यहाँ तक पूरा आ रहा है, पेड अनपेड दोनों आ रहा है इसमें। अच्छा अनपेड अनपेड दोनों आ रहा है, और इसी में मैं अगर तो मैं इसकी इम्पैक्टी आ रही है, हालांकि आगे बात नहीं है ना फिल्टर फॉर्मूला, तो फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, बताइए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे एक रो सॉर्ट करना होगा, उसमें आपको ज्वाइन करना होगा नेम विद स्टेटस, ठीक है। तो 217 है ना आपके पास, उसके बाद एक और कॉलम ऐड करना होगा, उसमें आपको लगाना होगा फॉर्मूला काउंट इफ। काउंट इफ में आपको B2 से B2 जैसे बताया था मैंने आपको, क्योंकि इसमें मल्टीपल होगा ना सर, इसलिए और F4। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और इसके साथ एंड परसेंट लगा दीजिए डैश के साथ, अमाउंट डैश पूजा को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1- पूजा पेड। ऐसे ही जहां अनपेड होगा वहां अनपेड, ठीक है ना। अब यहां मुझे सीरियल नंबर देना होगा, यहां नेम नेम देना था, नेम दे दीजिए, सिटी दे दीजिए, और यहां पे अमाउंट, और बाकी पेड अनपेड तो यहां पे है ही नहीं ऊपर। सीरियल नंबर 1 वी लुकअप, इसको लुकअप किया डैश, इसको लुकअप किया पूजा को डैन डैश, और हमने लुकअप किया पेज को, तीनों को मर्ज कर लिया आपस में, और फिर इसको सिलेक्ट किया और 3 पे नेम है 3.0। अब इसी को हमें फ्रीज करना है, A3 को नहीं, इसको हाँ फ्रीज करना है, L2 को फ्रीज करना है, AS को फ्रीज करना है, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट पेस्ट। अब स्थिति के लिए यहाँ पे डाल दीजिए 4 और अमाउंट के डाल दीजिए 5, और फिर इसको इसमें इस तरह लगाना, इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, बाद में इस तरह बता दूंगा, इस तरह भी लगाना होता है इसमें। अब इसमें आप नंबर दे दीजिए 2, आ गया सर। हाँ जी सर, अगर मैं ड्यू कर दूं, इसमें और भी अच्छा किया जा सकता है, ड्यू का लिस्ट आ गया, एज का लिस्ट आ गया। इससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और आपके सामने होमवर्क आपका ये है कि आपके सामने मैंने अभी 2 सिटी को लुकअप किया है, दिख रहा है सर, 2 सीट को, आप मुझे इस पे 4 सीट, अगर आपका डेटा 4 सीट पे है तो कैसे लुकअप करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो आपको फॉर्मूला बनाना है कि 4 सीट पे डेटा हो तो कैसे लुकअप हो, समझ गया, 4 सीट पे लुकअप हो, ओके। और यहां यहां जैसे कि एक चीज और भी करना है, यहां पे मैंने दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लगाना है कि भाई जो फालतू के नीचे आ रहा है ना सीरियल नंबर, ये ना है उतना ही सीरियल नंबर जनरेट हो जितना हमारा लिस्ट है, जितना हमारा डेटा है, ठीक है, नीचे ब्लैंक हो जाए सारा, और दूसरी चीज यहाँ इसका टोटल भी जनरेट हो जाए एक लाइन ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के साथ। ये चीजें आपको करनी है R&D, और करके मुझे मेल करना है, ये फाइल मैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए भेज देता हूँ, ठीक है सर। सर एक चीज आप पूछ सकते हैं क्या? एक क्या पूछना है सर, जैसे अभी अपन जो लिस्ट पे काम कर रहे थे उसमें पूजा बहुत बार आ रहा था, हाँ मैं चाहता हूँ कि पूजा ना
मान लीजिए कि अगर 10 बार आ रहा है तो मेरे को एक ही बार दिखाया, आप जैसे इस शीट के अंदर तो कहीं से डेटा आ गया 100 बार लगाई आप, इसमें तो हमने लगाया हुआ है ना, पूजा का कॉलम ही इंसर्ट ना करे, ऊपर हेडिंग में पूजा दे दे बस। अच्छा क्या ऊपर तो ऐसे तो ऊपर पूजा हमने दे रखा है ना? नहीं नहीं वैसे इससे रिलेटेड नहीं था, थोड़ा सा अलग रिलेटेड, इससे अभी जो आपने आज पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं पूछ रहा मैं सर। मतलब आप चाहते लिस्ट में पूजा है तो पूजा एक ही बार है बाकी नीचे ना है तो हाँ, मतलब एक जगह कोई ऐसी लिस्ट बनता है जहाँ पे सिर्फ एक बार, मतलब कौन कौन नए 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 बनते हैं यूनिक लिस्ट निकालना चाहते हैं आप ना? हाँ सर एक यूनिक लिस्ट आ जाए। एग्जैक्टली तो सर 2007 में तो यूनिक के लिए एरे फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी समझ में नहीं आएगा। आपके पास गूगल सीट है तो यूनिक लगा सकते हैं। 2007 में यूनिक के लिए बहुत लंबा फॉर्मूला है सर एरे का। और मुझे मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे को देखिए अभी अपने ऑफिस के पर्पस से आपको मतलब जो मेरे को सीखना है ना सर मेन एक्सेल। हाँ तो ठीक है, तो चलने मतलब कि हर लोअर वर्जन में कुछ लिमिटेशन होती है ना सर। हाँ 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 और दूसरी चीज है अब एक ही दिन में आप सब कुछ थोड़ी सीख जाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपको मैंने बोला एरे फॉर्मूला जो होता है जहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला खत्म होता है वहां से एरे फॉर्मूला शुरू होता है। जैसे कि आपने अभी जो टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला अब लगाया है दिस इज द एरे फॉर्मूला। एरे बोलते हैं जी हाँ एरे ARRAY। अच्छा सर इसकी मतलब अपने क्लासेस किस तरीके से रहेंगे और मतलब मैं फोन आपको मैं फोन कर रहा हूँ उसके लिए।